वेलकम बैक एवरीवन। क्लैश स्क्वाड की न्यू स्किल कॉम्बिनेशन आ चुकी है, इसलिए आज हम 6 टाइप की सीएस की स्किल देखेंगे, जैसे कि एग्जांपल रैंडम मैच मेकिंग स्किल कॉम्बिनेशन, रस गेम स्किल कॉम्बिनेशन, बुया स्किल कॉम्बिनेशन, हाई लेवल मूवमेंट स्किल कॉम्बिनेशन, वन टैप हेडशॉट स्किल कॉम्बिनेशन, हिल फाइट स्किल कॉम्बिनेशन। तो ये सारे स्किल क्लैश स्क्वाड प्लेयर के लिए, इसलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर 6 रैंडम मैच मेकिंग स्किल कॉम्बिनेशन। यहां पे जो स्किल कॉम्बिनेशन का वर्णन किया गया है वो एक रैंडम प्लेयर के लिए, ठीक है, मतलब रैंडम मैच मेकिंग खेलता है। गाइस अगर आप भी रैंडम मैच मेकिंग बहुत यूज करते हो, खेलते हो, तो गाइस आपके लिए स्किल कॉम्बिनेशन आ चुका है, सीएस अपडेटेड है, ठीक है। तो रैंडम प्लेयर्स में आपको एक सबसे बढ़िया स्किल कॉम्बिनेशन दे रहा हूं, जिससे रैंडम को भी बहुत हेल्प होने वाली है, इसलिए हम लोग लेने जा रहे हैं क्लू कैरेक्टर। आज की डेट में अगर आप लोग क्लू नहीं यूज करोगे ना, आप लोग बहुत पछताओगे अगर आप लोग रैंडम नहीं खेलते हो, क्योंकि सब लोग क्लू कैरेक्टर यूज नहीं करता है, लेकिन रैंडम अगर आप लोग क्लू यूज करोगे तो इससे फायदा सबका होगा एंड आपको लोकेशन मिलेगा एनिमी का। तो हम लोग लेंगे क्लू कैरेक्टर एक्टिव में एंड यहां पे हम लोग चूज करना है। एंड देखो सबसे पहला पैसिव जो रैंडम में आपको चाहिए, ठीक है, आप लोग क्लू यूज कर रहे हो, अब आपको गाइस आपके पास तो लॉन्ग रेंज भी होना चाहिए। अगर आप लोग रैंडम खेलते हो लॉन्ग रेंज चाहिए, उसके लिए हमें अगर लॉन्ग रेंज यूज कर रहे हैं तो हमें गाइस एक ऐसा भी कैरेक्टर चाहिए जो लॉन्ग रेंज में बहुत डैमेज इंक्रीज कर दे, मतलब मारो कैरेक्टर, आपका डिस्टेंस के अनुसार आपका हमेशा डैमेज इंक्रीज होते जाएगा गाइस, ठीक है, चाहे वो एसएमजी हो चाहे वो मार्क्स मैनिक्यूर हो, आपका डिस्टेंस के अनुसार डैमेज इंक्रीज होगा मारो से, ठीक है। तो अब हम लोग चूज करेंगे सेकंड पैसिव। अब सेकंड पैसिव एक ऐसा कैरेक्टर है ना गाइस, इससे गाइस आपका टीममेट को भी हेल्प होने वाला है, ठीक है, इससे आपका वेस्ट का अपग्रेड होगा। यस गाइस, वेस्ट का ड्यूरेबिलिटी जल्दी डिक्रीज नहीं होगा, ये एक इलाइट कैरेक्टर है। अब बहुत सारे बंदे कंफ्यूज है ये कौन सा कैरेक्टर है स्कैरक्रो भाई, तो मैं बोलना चाहूंगा ये है आपका इलाइट एंड्रयू। यस गाइस, इलाइट एंड्रयू ये तो सबसे ओल्डेस्ट कैरेक्टर है फ्री फायर का, इससे आपका ड्यूरेबिलिटी जल्दी खत्म नहीं होता है गाइस, ठीक है। तो इसलिए चाहता हूं आप लोग इसका टीममेट को भी हेल्प होने वाला है, सभी टीममेट को गाइस, ठीक है। एंड हमें चूज करना अब तीसरा नंबर पैसिव। अब जैसे गाइस मैंने बोला इलाइट एंड्रयू, इसी के साथ ही एक और है इलाइट कैरेक्टर, वो है इलाइट मोको। एक मोको आपको पता है आज की डेट में सोलो में भी यूज होता है, आज की डेट में सीएस रैंडम में भी सब लोग यूज कर रहे हैं। अगर रैंडम खेलते हो तो ये कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन आपको बना के खेलना है। आगे बढ़ते हैं नंबर 5 पे, रश गेम स्किल कॉम्बिनेशन। गाइस अगर आप लोग रशिंग बहुत करते हो, रश बहुत खेलते हो, मतलब रश करने में आप लोग उस्ताद बनना चाहते हो सीएस रैंकेड में, तो मैं आपको बोलना चाहूंगा आप लोग उकोंग कैरेक्टर लेके आओ। उकोंग से आप लोग रश अच्छा कर पाओगे, चाहे वो घर का रश हो या फिर घर के बाहर का रश हो, आपको रश करने में हेल्प होगा। मान के चलो अगर चारों बंदा उकोंग यूज कर रहा था तो तबाही मच जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूं आप लोग ना ये एक्टिव में हो। अब हम लोग चूज करेंगे पैसिव कैरेक्टर। अब पैसिव में हम लोग उकोंग को हेल्प करने के लिए एक कैरेक्टर लेंगे, उसका नाम है इलाइट हायातो। अगर आपके पास इलाइट कैरेक्टर हायातो का तो आप लोग इलाइट हायातो भी ले सकते हो, अगर नॉर्मल है तब भी ले लो, कोई टेंशन नहीं, लेकिन इलाइट हायातो भी अब सबसे बढ़िया कैरेक्टर है, ठीक है। तो मैं आपको चाहता हूं हायातो कैरेक्टर बना लो, ठीक है, इलाइट को। एंड हम लोग चूज करेंगे आप सेकंड पैसिव, ठीक है। सेकंड पैसिव में एक ऐसा कैरेक्टर लेने जा रहे हैं जिससे गाइस आपका एचपी इंक्रीज होगा, ठीक है, मतलब नॉक करने के बाद। अब देखो बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर है जो एचपी इंक्रीज नहीं देते नॉक करने के बाद, लेकिन एक कैरेक्टर है जो एचपी इंक्रीज कर देगा नॉक करने के बाद, उसका नाम है जोटा कैरेक्टर। यस गाइस, जोटा कैरेक्टर ये हील में सबसे बेस्ट है, ठीक है, हील प्लस एलिमिनेट के लिए सबसे बेस्ट होता जाता है, ऐसे जाता आप लोग अगर नॉक करते हो तो गाइस आपको मेडिकेट मिलेगा, ठीक है, तो टेंशन नहीं गाइस हील अप करने के। तो यहां पे हमें चूज करना तीसरा नंबर पैसिव, ठीक है, तीसरा नंबर पैसिव। अगर आप लोग रश कर रहे हो तो केली द स्विफ्ट लेके खेलना आपको इलाइट के लिए ना, ओके, तो कोई टेंशन नहीं इलाइट के लिए, ठीक है, इलाइट के लिए एकदम मोस्ट फेवरेट मैक, ठीक है। तो मैं चाहता हूं आप लोग ये स्किल कॉम्बिनेशन बनाओ अगर आप लोग रश गेम प्ले करना चाहते हो क्लैश स्क्वाड में। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं नंबर 4 पे, बुया स्किल कॉम्बिनेशन। गाइस अगर आप लोग बुया में एक्सपर्ट बनना चाहते हो क्लैश स्क्वाड में, सीएस रैंक में आप लोग बुया बहुत करना चाहते हो, एक स्किल कॉम्बिनेशन लेके आ चुका, अगर आपको अच्छा लगे तो यूज करना, ओके, मैं आपको गारंटी बोलता हूं आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। इसका नाम है स्टेफी कैरेक्टर। एक्टिव में आपको सबसे पहले स्टेफी ले लेना है, ठीक है। इससे स्टेफी से क्या होगा, आपको कोई बंदा जल्दी मार नहीं पाएगा, चाहे वो एक्सप्लोसिव डैमेज हो चाहे वो बुलेट का डैमेज ही क्यों ना, आपको जल्दी नहीं मार पाएगा, क्योंकि आपके पास स्टेफी कैरेक्टर है गाइस, ठीक है। तो याद रखना स्टेफी इज बेस्ट गाइस, ठीक है। तो ये आपका टीममेट को भी हेल्प होने वाला है इससे गाइस, ठीक है। जैसे मोको हेल्प करता सभी को, अब ये स्टेफी भी हेल्प करता है, ठीक है। अब हमें चूज करना सबसे पहला पैसिव गाइस, ठीक है। पहला पैसिव में गाइस, अगर आपके पास अल्वारो कैरेक्टर है नॉर्मल है या फिर आपके पास इलाइट अल्वारो भी है ना, तब भी ले लो गाइस, ठीक है। आप लोग को नेड करना है, यस गाइस, बुया करना है तो नेड में भी सक्सेसफुल होना है गाइस, ठीक है। आपको स्टार्टिंग के हर वक्त, आपको स्टार्टिंग में हर वक्त आपको नेड लेना है, ठीक है। यही बुया स्किल कॉम्बिनेशन है गाइस बनाना है, आपको बुया में सबसे पहले ही नेड मार देना है, उसके बाद आपको साइथ लेना है, ठीक है। साइथ मिलता है तो साइथ लो या फिर ड्रॉप से आप लोग गाइस मिली वेपन कुछ भी लेके आ जाओ, ठीक है। बस आपके पास होना चाहिए गाइस ये एलाइट एंड्रयू या फिर नॉर्मल एंड्रयू, ठीक है। अब हमें चूज करना सेकंड पैसिव। अब सेकंड पैसिव, अब देखो गाइस हम लोग नेडर नेडर की टाइप खेलेंगे, ठीक है। यहां पे हम लोग क्या करना है गाइस, हमें गाइस बंदे का लोकेशन चाहिए, हमें गाइस बंदा मारा तो मारा कहां से गाइस, ठीक है। अब इसीलिए हम लोग चूज करने जाएंगे गाइस सीरो कैरेक्टर। आज की डेट में अगर आप लोग सीरो लेके खेलोगे तो आपको बंदे का लोकेशन मिलेगा, बंदा कहां से मारा है, और उसी वक्त मारोगे तो बंदा चार चीट हो जाएगा गाइस, ठीक है, क्योंकि आपको लोकेशन के टाइम ही मारना है, तो इसलिए सीरो कैरेक्टर यूज करेंगे। एंड हमें तीसरा नंबर पैसिव चूज करना है। अब देखो बुया स्किल कॉम्बिनेशन है, ऊपर से क्लैश स्क्वाड का है, तो आप लोग केली द स्विफ्ट ले लो गाइस, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, यही स्किल कॉम्बिनेशन आपको बनाना है, बुया स्किल कॉम्बिनेशन को यूज करना है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं नंबर 3 पे, हाई लेवल
लेवल मूवमेंट स्किल कॉम्बिनेशन। अब हाई लेवल मूवमेंट करना चाहते हो क्लैश स्क्वाड रैंकेड में, या फिर आप लोगों का बहुत पसंद है मूवमेंट कैरेक्टर, तो मैं आपको स्किल कॉम्बिनेशन देकर दे रहा हूं, ठीक है? आप लोग देखना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें लेना है आलोक कैरेक्टर। मूवमेंट प्लेयर आपको आलोक लेना हमेशा जरूरी है, क्योंकि आलोक से आपका मूवमेंट इंक्रीज होता है, ताकि आप लोग जल्दी अपना लोकेशन प्राप्त कर लो उस जगह पे, ठीक है? मान के चलो आप लोग खेल रहे हो क्लैश स्क्वाड का, मान के चलो क्लॉक टावर खेल रहे हो, अब क्लॉक टावर में आपको जाना होगा जल्दी, सबसे पहले घर का ऊपर जाना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे आलोक मार के ऊपर जाएंगे, ठीक? इससे मूवमेंट इंक्रीज होता है, इसलिए आलोक नंबर वन कैरेक्टर है मूवमेंट में, ठीक है? एंड यहां पे हमें चूज करना नंबर वन कैरेक्टर गाइस जो मूवमेंट करता है केली गाइस, ठीक है? यस गाइस, इलाइट केली, मतलब मान के चलो इलाइट केली, नॉर्मल केली कोई भी ले रहे हो, ठीक है? यहां पे केली लेंगे, उसके साथ ही अब मूवमेंट और अगर इंक्रीज करना है गाइस, ठीक है, बंदे का गाइस डैमेज से, बंदे का डैमेज से अगर आपको मूवमेंट इंक्रीज करना है, तो सबसे नंबर वन कैरेक्टर है वो है जोसेफ कैरेक्टर। यस गाइस, जोसेफ कैरेक्टर जो केली के साथ साथ सभी कैरेक्टर को भी हेल्प होने वाला, क्योंकि मूवमेंट कर रहे हो तो मूवमेंट सबको हेल्प होगा, ठीक है? यहां पे हमें कैरेक्टर गाइस एक और लेना गाइस, ठीक है, जो गाइस रेट ऑफ फायर भी इंक्रीज करता है प्लस मूवमेंट भी इंक्रीज करता है, ठीक है? ये ग्रीन स्किल मूवमेंट अनलॉक होने के बाद ही गाइस, ठीक है, क्लैश स्क्वाड में आपको लेना है लूना कैरेक्टर। तो लूना आपको पता चल चुका है, आज की डेट में मैं लूना बहुत प्रीफर करता हूं, आप भी प्रीफर करोगे, ठीक है? तो ये सबसे बेस्ट मूवमेंट स्किल कॉम्बिनेशन आपका बन चुका है क्लैश स्क्वाड। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं नंबर 2 पे, वन टैप हेडशॉट स्किल कॉम्बिनेशन। गाइस अगर आप लोग चाहते हो सीएस रैंकेड में वन टैप मारने के लिए, तो गाइस मैं आपको एक सिंपल स्किल कॉम्बिनेशन बना के दे रहा हूं, इससे आपका वन टैप भी अच्छा खासा लग जाएगा, ठीक है? क्योंकि आप लोग एक्यूरेसी इंक्रीज करने वाले हो स्किल कॉम्बिनेशन से, तो इसलिए मैं चाहूंगा आप लोग ना, आप लोग सबसे पहले होमर कैरेक्टर ले लो। आप बहुत मतलब सोच रहे हो स्केयरक्रो भाई होमर से कहां एक्यूरेसी इंक्रीज होगा, तो मेरे भाई मैं आपको बोलना चाहता हूं होमर से आप लोगों का मूवमेंट स्लो करना है, ताकि गाइस अगर हम लोग जैसे मूवमेंट स्लो करेंगे उस बंदे का गाइस एक ही जगह में गाइस उसका स्लो हो जाएगा, ठीक है? तो उसी जगह में हम लोग को हेडशॉट मारना है, चाहे वो डेजर्ट ईगल का हेडशॉट हो, चाहे वो मार्क्समैन का हेडशॉट हो, ठीक है, कोई भी लॉन्ग रेंज गन का कुछ भी चलेगा, ठीक है, लेकिन हेडशॉट चाहिए, तो इसलिए हम लोग होमर कैरेक्टर लेंगे, ठीक है, ताकि मूवमेंट स्लो करके हेडशॉट लें। उसके साथ ही हमें लेना अब एक्यूरेसी इंक्रीज करने वाला कैरेक्टर, मतलब हमें लेना गाइस एक ऐसा कैरेक्टर जिससे एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाए मूवमेंट करते वक्त, तो हमें लेना डीबी कैरेक्टर। तो डीबी आपको पता चल चुका है इससे आपका मूवमेंट इंक्रीज होता है 30% गाइस, ठीक है, एंड एक्यूरेसी भी इंक्रीज होता है। तो गाइस मैं चाहता हूं आप लोग ये कैरेक्टर लो डीबी कैरेक्टर। अब हमें चूज करना सेकंड पैसिव, एक ऐसा कैरेक्टर जिससे गाइस फीमेल कैरेक्टर तो है लेकिन गाइस बहुत सारे बंदे यूज करते, चाहे वो ऑर्म चलाने के वक्त हो, चाहे वो एक्यूरेसी इंक्रीज करने के लिए स्कोपिंग करने के मारने के वक्त हो गाइस, ठीक है? तो उस कैरेक्टर का नाम है लोरा कैरेक्टर गाइस, ठीक है? यस गाइस, फ्री फायर में ये भी कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर है जो बहुत सारे बंदे यूज कर रहे हैं जब उनको चाहिए गाइस, ठीक है? क्योंकि वो एक ऐसा इकलौता कैरेक्टर है जिससे स्कोपिंग करने के वक्त ही आपका एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाता है। मान के चलो आप लोग स्कोपिंग करके हेडशॉट मार रहे हो, तो गाइस कितना अच्छा लगेगा ना, तो इसलिए मैं चाहता हूं आप लोग ये कैरेक्टर भी इंक्रीज कर लो अपने एक्यूरेसी में, ठीक है? अब हमें चाहिए गाइस एक ऐसा कैरेक्टर जिससे गाइस आपका मूवमेंट बढ़ जाए। यस गाइस, स्किल करने के बाद आपका मूवमेंट बढ़ जाए, क्योंकि गाइस आप लोग वन टैप मार रहे हैं और आपको मूवमेंट भी चाहिए, इसलिए मैं चाहता हूं आप लोग दशा कैरेक्टर ले लो, ठीक है? इससे आपका रेट ऑफ फायर भी बढ़ेगा प्लस मूवमेंट भी बढ़ जाएगा, बस बंदे का मारना है आपको, ठीक है? याद रखना। तो ये कैरेक्टर आपको कॉम्बिनेशन बनाना है अगर आप लोग वन टैप मारना चाहते हो, तो ये स्किल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नंबर 1 पे, हिल फाइट स्किल कॉम्बिनेशन। गाइस देखो, हिल फाइट स्किल कॉम्बिनेशन, चाहे वो फैक्ट्री राउंड का हिल फाइट हो, चाहे वो क्लॉक टावर राउंड का हिल फाइट हो, हिल फाइट मतलब सबसे बेस्ट आपको बुया लेना है हिल फाइट में, क्योंकि सोलो वर्सेस स्क्वाड होता है तो हिल फाइट ही बुया देता है हमें गाइस, ठीक है? इसलिए मैं चाहता हूं आप लोग ना हिल फाइट के लिए जेड कैरेक्टर ले लो गाइस, ठीक है? ये आफ्टर ओबीटेन अपडेट में इसका स्किल को और भी बेहतरीन कर दिया गया, ठीक है? इसका हीलिंग इफेक्ट काफी तगड़ा बन चुका है, ये आपको एचपी इंक्रीज करके देता है, तो सीएस में तो ये बहुत सुंदर है, क्योंकि इसका कूल डाउन टाइम भी बहुत लेस है। अब मैं आपको डायरेक्ट नंबर 1 पैसिव जिससे गाइस जेन को बहुत हेल्प होने वाली गाइस, ठीक है? आपको बस मेडिकिन मारने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी इस कैरेक्टर का, ठीक है? इसका नाम है लियोन कैरेक्टर, ये आपको 60 एचपी ऐसे मुफ्त में दे देगा, ये फ्री का स्किल कॉम्बिनेशन है गाइस, क्योंकि लियोन आपको फ्री में स्किल देता है, मतलब एचपी देता है यार, तो यूज करना चाहिए हीलिंग में, ठीक है? नंबर 2 पैसिव गाइस, जो फ्री फायर में नंबर 2 पैसिव ना गाइस, आपको हीलिंग आइटम में सबसे तेजी से मेडिकिन मारने में हेल्प करता है, इसका नाम है मैक्सिम कैरेक्टर। सीएस में अगर हिल फाइट करना चाहते हो तो मैक्सिम जल्दी जल्दी आपको मेडिकेट मार के दे देगा, इसलिए कहता आप लोग मैक्सिम कैरेक्टर ले लो। अब हमें चूज करना तीसरा नंबर पैसिव, जो गाइस देखो गाइस अगर हम लोग मेडिकेट मार रहे हैं तो गाइस बंदा अगर दो मेडिकेट मारेगा ना उसको बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि उसके पास मैक्सिम कैरेक्टर नहीं है, अब उसके पास मैक्सिम भी नहीं है, साथ ही साथ उसका एक मेडिकेट उसको जल्दी मतलब जल्दी एक्सपी इंक्रीज करके नहीं देगा, क्योंकि बहुत कम देता है, एक मेडिकेट बहुत कम देता है, लेकिन हम लोग का मेडिकेट 100 से भी ज्यादा आपको एचपी दे देगा, क्योंकि गाइस ये कैरेक्टर का नाम है अपना कपिला कैरेक्टर गाइस, ठीक है? कपिला कैरेक्टर में आपको थोड़ा ज्यादा एचपी मिलता है जब आप लोग मेडिकेट मारते हो, ठीक है? मान के चलो 100 करीब आ गए, ठीक है? ऐसे मान के चलो, तो ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन आपको बनाना है अगर आप लोग हिल फाइट करना चाहते हो। कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताओ आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, जल्दी कमेंट करके बताओ, मैं जल्दी जल्दी बना दूंगा। आज के क्लैश स्क्वाड स्किल कॉम्बिनेशन की वीडियो आप लोग अपने हर एक फ्रेंड को शेयर करोगे एंड लाइक करोगे, क्योंकि मुझे पता है आप लोग कर सकते हो यार, प्लीज कर देना मेरे लिए।